जो जन्म लेता है उसका मरना तय है, जिसे ना तो कोई रोक सकता है और ना ही उसका समय बदला जा सकता है। हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब मृतक की शव यात्रा निकाली जाती है, तत्पश्चात ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु शाम या रात में होती है तब शव को घर पर ही रखकर उसकी रखवाली की जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? इस रहस्य को जानने से पहले हमारे चैनल द कृष्णा की को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने का नियम नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि सूर्यास्त के बाद शव को जलाया जाता है तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। साथ ही शव को अकेला छोड़ने पर कई जानवर जैसे बिल्ली कुत्ता शव को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए शव की रखवाली के लिए कोई ना कोई व्यक्ति शव के पास जरूर रहता है। साथ ही शव को तुलसी के पौधे के पास रखकर धूप बत्ती व अगरबत्ती भी जलाते हैं ताकि शव से कोई दुर्गंध नहीं फैले। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।